नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है पॉलिटी का जो है एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो छोटे से छोटा एग्ज़ाम, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक का हमारा नाम है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। प्रावधान को हम लोग प्रोविजन बोलते हैं और स्रोत को हम लोग जो है सोर्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज इससे संबंधित हम लोग जो है 8-10 क्वेश्चन करेंगे जो है सोर्स से संबंधित, किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और देखिए, सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है फॉलो करिए आप लोग, जिससे आपको जो है अपडेट मिलती रहेंगी और सारे नोट्स और जो भी कुछ नया अपडेट आता रहेगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। इंस्टाग्राम ये हमारा है, ये फेसबुक के माध्यम से भी, और ये कोचिंग का नाम है सिलेक्शन मेंटर और ये हमारे वीएस सर हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की, सी टेट की, यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, यूपी ट्रिपलएससी की, तो ये सारे एग्जाम की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। और अब हम चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन आपके पास अमेरिका, तीसरा ऑप्शन आपके पास ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन आपके पास कनाडा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, और जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व तो लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व तो का सिद्धांत लिया गया है, का सिद्धांत सिद्धांत लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत मतलब डीपीएसपी का सिद्धांत, डीपीएसपी का सिद्धांत लिया गया है दोस्तों, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद अमेरिका से तो क्या लिया गया, मूल अधिकार भी लिया गया है, क्या लिया गया दोस्तों, मूल अधिकार लिया गया है, ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। और क्या क्या लिया गया है दोस्तों, तो और क्या लिखे लिया गया है, प्रस्तावना, प्रस्तावना का पहला शब्द, पहला शब्द कौन सा, पहला शब्द हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी आवर सॉरी वी पीपुल ऑफ इंडिया लिया गया, वी पीपुल ऑफ इंडिया लिया गया है, प्रस्तावना के पहला शब्द हम भारत के लोग। इसके बाद दोस्तों क्या लिया गया है, न्यायिक, न्यायिक पुनर्लोकन भी लिया गया है दोस्तों, पुनर्लोकन लिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या लिया गया है दोस्तों, इसके बाद जो लिया गया है वो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान लिया गया है। फिर क्या लिया गया है, वित्तीय आपात का उपबंध लिया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और जो है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका फ्रीडम जो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, और ये न्याय पुनर्लोकन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जो है जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्याय पुनर्लोकन, ठीक है। इसके बाद क्या लिया गया है दोस्तों, इसके बाद लिया गया है क्या, इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या लिया गया दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग। तो कौन कौन से शब्द, देखिए अमेरिका से सबसे पहले प्रस्तावना का पहला शब्द, मूल अधिकार, न्याय पुनर्लोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो है सी नंबर ऑप्शन में, क्या है, ब्रिटेन। अब देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान लिया गया है दोस्तों, किसका लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान। फिर क्या लिया गया है दोस्तों, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन,
फिर क्या लिया गया है दोस्तों, फिर लिया गया संसदीय 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 शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। फिर क्या लिया गया है दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। फिर क्या लिया गया है, द्वि सदनी व्यवस्था। ये सारे प्रधान कहां से लिए गए, ब्रिटेन से। अब आ जाते हैं हम लोग कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से सबसे पहले तो एक सशक्त केंद्र का प्रावधान, केंद्र का प्रावधान, सशक्त केंद्र का प्रावधान। फिर क्या लिया गया है दोस्तों, फिर लिया है संघी व्यवस्था, संघी व्यवस्था। क्या लिया गया है, संघी व्यवस्था। फिर क्या लिया गया है दोस्तों, फिर लिया गया है तुम्हारा अविष्ट शक्तियों का प्रावधान, अविष्ट अविष्ट शक्तियों का प्रावधान, शक्तियों का प्रावधान। ये सब सारी बातें कहाँ से ली गई हैं दोस्तों, ये सारी बातें जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, जैसे प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, ढेर सारी जो है चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर होता है और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, देखिए एकल नागरिकता। अभी आपको बताएं एकल नागरिकता का प्रावधान, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग अपना अपना। ये फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें चार ऑप्शन में कौन सही होगा दोस्तों, पहला ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान। अमेरिका से आपको मालूम है मूल अधिकार का प्रावधान, मूल अधिकार का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका, जो बहुत सारे पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है उसी हम बताते चले जा रहे हैं आपको, क्योंकि मूल अधिकार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो आर्टिकल कितने में है, वो 368 आर्टिकल में है दोस्तों, आर्टिकल में है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से देखो, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया दोस्तों, समवर्ती सूची, जो बार बार पेपर में आता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपातकालीन उपबंध। तो दोस्तों आपातकालीन जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है, पहला रूस के संविधान से, दूसरा ऑप्शन अमेरिकी संविधान से, सॉरी यहाँ पर अमेरिकी लिखना है, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो आपके पास चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, कौन सा सही होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध। आपको मालूम दोस्तों आपातकाल जो है तीन प्रकार के होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, ठीक। आपातकाल तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। और ये अनुच्छेद, अनुच्छेद 352 में है, ये अनुच्छेद कितने में है, 356 में है, और ये अनुच्छेद 360 में है, वित्तीय आपातकाल, और 352 में, ठीक है। तो आपातकालीन का उपबंध कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। रूस, रूस के संविधान से भैया मूल कर्तव्य लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है,
अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, अमेरिकी संविधान से जो है मूल अधिकार लिया गया, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन से हमेशा पूछेगा एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों, एकल नागरिकता प्रावधान, और जर्मनी से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए और आगे चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। देखो चौथा क्वेश्चन समवर्ती सूची, अभी आपको मैंने बताया समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। इसमें पहला अमेरिका से, दूसरा रूस से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से, फिर ब्रिटेन से। देखिए अमेरिका से, अमेरिका से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से और ब्रिटेन से। तो जल्दी से ऑप्शन बताइए किससे लिया गया दोस्तों। तो इसमें लिया गया सी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान है, अमेरिका से क्या क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं बार बार मूल अधिकार, बार बार देखिए मूल अधिकार, प्रस्तावना का प्रथम शब्द, प्रस्तावना का प्रथम शब्द, ठीक है, प्रस्तावना का शब्द, फिर न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, पुनर्लोकन, ठीक है। इसके बाद वित्तीय, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। इसके बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिखा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से एक और लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन से आपको मालूम है दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, या हम कह सकते हैं क्या क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। फिर क्या है संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद से संबंधित अधिकार सभी प्राप्त हैं ब्रिटेन में। संसदीय विशेषाधिकार मतलब हमको बस याद रखना है, टिक याद रखना है कि ब्रिटेन सिर्फ केवल संसद, संसद से संबंधित सारे प्रावधान किए हुए है। जैसे विधि का शासन मतलब हमारे यहाँ कानून का शासन है, विधि का शासन मतलब कानून का शासन किस देश से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया। कानून का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तो कौन करता है दोस्तों, संसद, क्या करता है संसद। और संसद किस चीज से मिलकर बनी होती है दोस्तों, एक तो सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा, फिर दूसरी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इसमें क्या होता है विभिन्न अंग होता है, विभिन्न अंग होता है दोस्तों। और इसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों चीज से हमारे संसद का निर्माण होता है। तो संसद संबंधी जितने भी हमारे राइट्स हैं वो सारे ब्रिटेन के प्रावधान से लिया गया, सारे ब्रिटेन से ही है सब कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अभी बिल्कुल आपने पढ़ा राष्ट्रपति पर महाभियोग, जल्दी से बताइए किस देश से लिया गया दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके पास सामने है, देखिए चौथा ऑप्शन जर्मनी है, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, पहला ऑप्शन ब्रिटेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। जल्दी से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों अमेरिका, अमेरिका से इम्पीचमेंट का प्रावधान लिया गया है, वो भी प्रेसिडेंट के ऊपर। ब्रिटेन का संविधान आप समझ रहे हैं संसद से संबंधित अधिकार, संसद से संबंधित अधिकार मतलब संसद को जितने भी अधिकार प्राप्त होंगे वो सारे किसके होंगे, ब्रिटेन से लिए जाएंगे। अमेरिका से जैसे क्या क्या, प्रस्तावना, बार बार देखिए भूले ना आपको प्रस्तावना, फिर न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, पुनर्लोकन, ठीक है। इसके बाद वित्तीय आपात, वित्तीय आपात दोस्तों, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, प्रस्तावना में वो भी प्रथम शब्द दोस्तों, प्रथम शब्द दोस्तों, ठीक है। न्यायिक पुनर्लोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर रखिए दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और अगले, अगला देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपको मालूम है दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, क्या है समवर्ती सूची, क्या है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और क्या है, और आपको बता दें एक है संसद की दोनों सदनों की बैठक, संसद की दोनों सदनों, सदनों की,
संयुक्त बैठक, एक संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, और वो संयुक्त बैठक में अध्यक्ष कौन होता है, बुलाता कौन है, तो बुलाता है दोनों सदनों को राष्ट्रपति दोस्तों। क्या, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, या आप कह सकते हैं कि हमें इसमें एक और है, जैसे व्यापार हो, व्यापार हो, व्यापार या वाणिज्य जिसे हम कह सकते हैं, व्यापार या वाणिज्य हो, या आने जाने की स्वतंत्रता हो, आने जाने व्यापार करने आने जाने की स्वतंत्रता हो, मतलब व्यापार संबंधी जितने भी अधिकार हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं। एक दो देशों से हम लोग जो व्यापारिक संबंध स्थापित, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया दोस्तों। अब बचा चौथा जर्मनी, जर्मनी से दोस्तों एक ही चीज ली गई है, और वो आपको फिर बता दें हम क्या लिया गया है, याद कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए पूरी तरीके से, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से दोस्तों। चाहे वो बड़ा एग्जाम दे रहा हो, छोटा एग्जाम, बिल्कुल इसमें आना ही बिल्कुल तय होता है, ठीक है, बिल्कुल आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन, अगर संविधान से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन में, और छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। अभी पढ़ा आप लोगों ने, जल्दी से बताइए, पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, और चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन में कौन सही होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका अमेरिका सही होगा, अमेरिका, अमेरिका सही होगा दोस्तों, अमेरिका, अमेरिका से वित्तीय आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया दोस्तों, फ्रांस से भैया गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ है। गणतंत्रात्मक मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होता है, कैसा होता है, निर्वाचित होता है। और यहाँ से शब्द लिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता, जैसे स्वतंत्रता, हमको स्वतंत्र कैसे रहना है, ठीक है, दूसरी मतलब विदेशी राष्ट्र से, फिर समानता, इक्वलिटी कैसे हमें रखनी है, समानता, फिर हमारा होना चाहिए लिटी बंधुत्व, बंधुत्व, मतलब तीन शब्द, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के शब्द कहाँ से लिए गए दोस्तों, तो ये फ्रांस से लिए गए दोस्तों, याद कर लीजिए। गणतंत्रात्मक, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व, ये चार वर्ड याद कर लीजिए दोस्तों फ्रांस से। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, और आगे देखते हैं आगे क्या है। ब्रिटेन, ब्रिटेन को आपको मालूम है, संसद संबंधित अधिकार, संसद से संबंधित अधिकार, संबंधित अधिकार, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका से आपको मालूम है, सबसे पहले याद कर लीजिए मूल अधिकार, मूल अधिकार, सबसे पहला पॉइंट मूल अधिकार, दूसरा प्रस्तावना, 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 फिर न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जल्दी से तैयार कर लीजिए। और वित्तीय आपात, वित्तीय आपात वही क्वेश्चन पूछा गया है, वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात भी अमेरिका से लिया गया है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन आपके पास बचा है, वो चौथे ऑप्शन में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से भैया समवर्ती सूची दिमाग में बसा लीजिए, समवर्ती सूची, बार बार आपको बता रहे हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक दोस्तों, संयुक्त बैठक दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, और इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अभी आपने पीछे पढ़ा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, देखिए भैया पहला आयरलैंड है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा जर्मनी है, और फिर जापान है। तो दोस्तों आयरलैंड, आयरलैंड डीपीएसपी, डीपीएसपी का प्रावधान है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अमेरिका से आपको मालूम है मूल अधिकार, मूल अधिकार, प्रस्तावना, मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्लोकन, और क्या दोस्तों वित्तीय आपातकाल, और क्या दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी के समान देश से क्या क्या लिया गया दोस्तों, सिर्फ केवल एक ही पॉइंट है इसमें, आपातकालीन, दिमाग में बसा लीजिए आपातकालीन का प्रावधान, आपातकालीन का प्रावधान। जापान, जापान, तो
तो जापान से दोस्तों क्या लिया गया है जल्दी से बताइए। जापान से दोस्तों जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब हमारे देश में कानून का शासन है, कानून के तहत इस शासन को स्थापित किया जाता है। सारे हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था कानून के तहत सारे लोग चलना पड़ता है, कानून का निर्माण होता है और उसमें सारे उसी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आठवें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक था, तो आपको बता चुके हैं जल्दी से आंसर ये दीजिएगा। चार ऑप्शन आपके पास हैं, चार ऑप्शन बताइए। चार ऑप्शन में अमेरिका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आयरलैंड, चौथा जापान। अब दोस्तों इसे चारों ऑप्शन में कौन सही होगा? आयरलैंड सही होगा दोस्तों, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड सही होगा। ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान। अमेरिका से मूल अधिकार का प्रावधान दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत और जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया द्वारा कानून को निर्माण मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, चलते हैं नौ नंबर क्वेश्चन में। नवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रस्तावना के साथ, अभी आपने पढ़ा प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग मतलब अगर कह दे प्रस्तावना की परिभाषा तो दोस्तों प्रस्तावना की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसमें चार ऑप्शन आपके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका और तीसरा रूस और चौथा ब्रिटेन। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संविधान की भाषा मगर प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं दोस्तों। क्या लिए गए हैं? प्रस्तावना के शब्द, मतलब वो भी कौन सा शब्द? प्रथम शब्द लिया गया दोस्तों, हम भारत के लोग। ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम लोग कहते हैं मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है? रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। और क्या रूस से लिया गया है? भैया जो हमारे प्रस्तावना में न्यायिक शब्द हैं, न्यायिक शब्द का मतलब समझते हैं आप लोग? न्यायिक शब्द का अर्थ होता है कैसा न्यायिक होना चाहिए? एक तो सामाजिक होना चाहिए हमारे यहाँ, कैसा होना चाहिए? सामाजिक। फिर कैसा होना चाहिए न्याय? आर्थिक। फिर कैसा होना चाहिए? राजनीतिक। मतलब तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। तो प्रस्तावना में न्यायिक शब्द का वर्णन, प्रस्तावना में जो न्यायिक शब्द का वर्णन, ये भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया गया। अब बचा चौथा ब्रिटेन। आपको मालूम है संसद से संबंधित अधिकार कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं दोस्तों? संसद से संबंधित अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे विधि का शासन हो सकता है। फिर क्या है? संसदीय शासन प्रणाली, एक बार और देख लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली। फिर क्या हो सकता है दोस्तों? संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों। ठीक है, ये तीन तो बिल्कुल याद कर लीजिए, पहला जरूर विधि का शासन याद कर लीजिए। तो ये ब्रिटेन से। अब चलते हैं दसवें नंबर क्वेश्चन में, और दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल अभी आपने पढ़ाया, अभी हमने नवें नंबर क्वेश्चन में बताया संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो किस देश से? अमेरिका से। फिर ब्रिटेन से। फिर तीसरा कनाडा से। चौथा जर्मनी से। चार ऑप्शन आपके सामने है, ये चार ऑप्शन में कौन सही है दोस्तों? जल्दी से अपने आंसर को सही करिए। तो इसमें आपका आंसर बी सही होगा दोस्तों। और अमेरिका से आपको मालूम है प्रस्तावना का पहला शब्द, इसके बाद न्याय पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, और इसके बाद वित्तीय आपातकाल, ये सभी अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से आपको मालूम है कि संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, इसके बाद क्या लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार। ये सारे जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब दोस्तों कनाडा से सशक्त केंद्र का प्रावधान, मतलब इसका बस याद कर लीजिए, इसमें केंद्र से संबंधित शक्ति है, केंद्र को शक्ति प्राप्त है,
और जो केंद्र को शक्ति प्राप्त हो वो सारे कनाडा से संबंधित होंगे, इसके बाद जर्मनी, और जर्मनी से आपको दोस्तों मालूम है सिर्फ एक ही उपबंध है, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। तो ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आप लोगों को सारा हमारा ये जितने भी 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं, इसमें जितने भी डाउट्स हो या किसी प्रकार की आपकी कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार को कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और सारे चीज़ें आपको जो डाउट में हैं वो पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। और दोस्तों आपको बता दें, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब करें और इसके बाद शेयर करें और लाइक जरूर करके जाएं, ठीक। बेल का दबन जो बटन है उसको दबा के जरूर जाएं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।